नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुरुग्राम के सेक्टर 4 के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हालांकि ये कैंप यूथ क्लब, यूथ सोशल एंड कल्चर एसोसिएशन द्वारा लगाया गया है, जिसके फाउंडर पर्सन हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रमोद शर्मा जी। शर्मा जी, आज क्या विचार सुझा कि होली से पहले ब्लड कलेक्ट किया जाए, डोनेशन किया जाए समाज सेवा के रूप में? नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं इस यूथ क्लब का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और अर्बन स्टेट रिजन वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज का ये आयोजन जो है वो यूथ क्लब और युवा जो हमारी बॉडी है विचार की, मैं इन दोनों के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ है। और ये हमारा 11वां कैंप है। हम निरंतर हर साल फरवरी और मार्च में ही कैंप लगाते हैं और लगभग 200 यूनिट के करीब हमारा टारगेट होता है, जिसे हम अचीव भी करते हैं। और लाइन्स क्लब जो इंटरनेशनली बहुत बड़ी संस्था है, लाइन्स ब्लड बैंक की टीम आती है, ये ब्लड हमसे लेती है। और आज इसके साथ साथ हमने एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप भी का भी आयोजन किया है, जिसमें कि मैक्स हॉस्पिटल जो गुड़गांव का बहुत नामी गामी बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, डेंटिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, ECG, ब्लड टेस्ट हैं, डिफरेंट तरह के, वो सब जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं, ताकि लोगों को बड़े हॉस्पिटल में जाने से जो उनका जो खर्च होता है या जो उनका टाइम जाया होता है, उन सबका यहाँ पर बचा हो। और ब्लड डोनेशन जो है, हम सब समझते हैं कितनी ज़रूरत होती है। जिस वक्त आदमी को ज़रूरत होती है ब्लड की, तो ब्लड से ज़्यादा और कुछ ज़रूरी नहीं होता, उसकी कमी कोई भी पूरी कर नहीं सकती। यही हमारा आज का दे रहा है इस कैंप का। आज कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ रहे? हाँ, गुड़गांव के बहुत प्रमुख शख्सियत जो है मोहनदास टिकरी जी, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं बहुत बड़े, और नवीन गोयल जी जो कि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में भी बहुत सुंदर है। मोहनदास टिकरी जी ने आज हमारे कैंप का उद्घाटन किया और नवीन गोयल जी आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और धर्म सागर जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जो कि युवा के अध्यक्ष हैं। और सेक्टर के तकरीबन आस पास सभी क्षेत्रों से, सेक्टर 4-7, लक्ष्मण विहार, सूर्य विहार, शोक विहार, इन सबसे लोग बड़े जोश के साथ, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। आज लगभग अभी तक कितना ब्लड डोनेट हो चुका है, कितना आप लोग कलेक्ट कर चुके हैं, और आपका टारगेट जैसे हर साल का 200 चलता है यूनिट, तो इस बार अभी कितना होगा? अभी लगभग हमारे को 2.5 घंटा हो चुका है और हम लगभग 70-80 यूनिट तक पहुँच चुके हैं, 70-75 यूनिट तक हम पहुँच चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि हम शाम होने तक जो है इसको अपना टारगेट अचीव करेंगे। प्रमोद शर्मा जी ने जिस प्रकार से बताया कि आज ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है वो हर वर्ष लगाया जाता है और लोगों की सेवा के लिए, और लाइन्स क्लब इनसे जुड़ा हुआ है जो कि हमेशा इनसे ब्लड कलेक्ट करते हैं, और 200 यूनिट के लगभग आज शाम तक हो जाएगा। अभी तक करीबन 80 से ऊपर निकल चुका है, ऐसा इनका बताना है, जिसमें महिलाएं, युवा सारे और आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहुँच रहे हैं और बढ़ चढ़ कर लोग बाग हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के बतौर पर भी यहाँ पर आज पहुँचे थे नवीन गोयल और बुधराज सिकरी जी, तमाम और भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों के लोग भी पहुँचे, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, ऐसा प्रमोद शर्मा जी का मानना है। लोग बाग आ रहे हैं और समाज की सेवा के लिए आज ब्लड की वास्तव में आवश्यकता है, खासकर उन लोगों के लिए आवश्यकता है। प्रमोद जी, आप देखेंगे जो एक्सीडेंट जिनके होते हैं रोडों पर, खासकर उनको ब्लड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, आप कैसे? और एक मेरा एक प्रश्न आपसे छूट गया, इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा से आपसे पूछूं कि आप किस विचारधारा को लेकर अपने इस संस्थान के माध्यम से ब्लड कलेक्ट करते हैं सर? कि देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, 11वां साल है लगातार सर, ये हमारा 11वां कैंप है और निरंतर ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। आप यकीन मानेंगे कि गुड़गांव शहर के अंदर जिस वक्त कोविड की बड़ी भारी महामारी थी, तो लाइन्स क्लब के पास एक डिमांड, मैं लाइन्स का भी मेंबर हूँ, तो लाइन्स के पास एक डिमांड आई थी कि हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत है, सब जगह हॉस्पिटल में ब्लड का दबाव। तो सबसे पहला कैंप जो ब्लड डोनेशन कैंप ड्यूरिंग द कोविड, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, सब लाइन्स क्लब और यूथ क्लब ने मिलकर इसी प्रांगण में लगाया था, जिसके अंदर हमें 65 यूनिट ब्लड मिलता था। इसके बाद शहर में एक प्रभाव सा आया कि लोगों ने कैंप लगाने शुरू किए, उसको ब्लड की बहुत, प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरत थी। तो ये हमारा ध्येय यही होता है कि जो लोग, जिनको ज़रूरत है और खून उन्हें नहीं मिलता है, तो आप वो आदमी उसकी अहमियत समझता है। जितना पैसा आपके पास है, जितना आपकी, जितनी बड़े आप व्यक्ति हैं, लेकिन अगर समय पर आप ब्लड अरेंज नहीं कर पाए तो उसकी कमी कहीं पूरी नहीं होती। इसलिए ब्लड बाकी हर गरीब अमीर सब लोगों की ज़रूरत है, और खासकर थैलेसीमिया में पेशेंट जो होते हैं, जिनको हर महीने ब्लड की जरूरत होती है, मुझे लगता है निरंतर सबको निरंतर ब्लड देते रहना चाहिए। और ब्लड देने से सबसे बड़ी खासियत है कि एक साल या साल में एक या दो बार आप ब्लड देते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ऐसा आजकल वैज्ञानिक और डॉक्टर।
साथी रवि शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। रवि जी, आज जिस प्रकार से आपने प्रतिबद्ध जिस प्रकार से आप लगाते हैं, आज 11 वर्ष हैं और ब्लड डोनेशन के लिए लोग बाग आ रहे हैं, तो आप लोग कलेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं आज ब्लड डोनेशन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हर वर्ग जात धर्म के लोगों के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए रमाकांत जी, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद जो आज आप यहाँ पे आए और इस पूरे प्रोग्राम को आप लोगों ने कवरेज दी है। और ये मेरी अपील है हर देशवासी से, हर उस यूथ से, कि ये जो रक्तदान है एक ऐसा, अब इसको दान नहीं कहूँगा मैं, आज ही शेखरी साहब आए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द बताया कि दान कह के हम किसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिमोरलाइज कर देते हैं। तो वो कहते हैं रक्त दान नहीं, इसको गिफ्ट के तौर पे हम लोग ब्लड गिफ्ट करना किसी को, तो ब्लड गिफ्ट करना, गिफ्ट एक तरीके से एक आपका पुरस्कार होता है आपस में, है ना। तो मेरी अपील है कि हर वो यूथ को अपील करना चाहूँगा कि कम से कम साल में वो दो बार रक्त गिफ्ट करें, क्योंकि ये जो रक्त जब हम किसी को डिलीवर करते हैं तो एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है, 1:3 का रेशियो है। और जब हम अपने तरफ से अपना ब्लड देते हैं तो हमारा खुद का अपना ब्लड भी प्योरीफाई होता है, जो क्लॉट्स बन जाते हैं अंदर वो क्लॉट्स नहीं बनते, तो अपने लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, रक्त को देते रहना चाहिए। और जो हमारा यूथ सोशल क्लब है, कई वर्षों से लगातार इस तरीके से ये प्रोग्राम्स करता आया है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा लॉयंस का बहुत अच्छा साथ मिलता है, हमें लॉयंस क्लब वाले हमारे साथ मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं गुड़गांव की जो हमारे साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं। ब्लड डोनेट करना कितना आवश्यक है हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि ऐसी तमाम ऐसी बीमारियाँ हैं जिन्हें हर महीने ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। कई ऐसी बातों को लेकर बताया कि 11 वर्ष से निरंतर इसी प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं। कैमरामैन शिल्लू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुराम, धन्यवाद।